नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सभी पर्यटन स्थलों पर सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी रहती है, क्योंकि जब भी लोग घूमने के लिहाज से किसी भी पर्यटक स्थल पर जाते हैं तो वहां सेल्फी जरूर लेते हैं। हालांकि कुछ पर्यटक स्थलों पर आपकी तस्वीर के साथ साथ बैकग्राउंड भी बढ़िया आ जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर समझ ही नहीं आता कि सेल्फी आखिर ले कहां। खासकर बिहार की ही बात करें तो घूमने के दौरान सेल्फी लेने वालों की होड़ आपको देखने को मिलती ही है। ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि अब सभी पर्यटन स्थलों पर आपको अलग से एक कॉर्नर मिलेगा जहां पर आप अपनी तस्वीर आसानी से खींच सकते हैं, तो आप भी बेहद खुश होंगे और फिर सोचेंगे कि ऐसा बिहार में कैसे संभव है, क्योंकि बाहर तो कई जगहों पर देखा गया है कि अलग से सेल्फी पॉइंट होता है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब ऐसा बिहार में सच में संभव होने वाला है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा की बैठक में इस बाबत निर्णय ले लिया गया है, जिसके तहत अब बिहार के सभी पर्यटन स्थलों पर सेल्फी पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे पर्यटकों को भी अच्छी तस्वीर मिल जाएगी और दूसरा, वहां आने वाले पर्यटक तस्वीरें खींचकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित प्रसारित कर सकेंगे। देश विदेश के पर्यटक सेल्फी को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो बिहार के पर्यटन केंद्रों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी। उन्होंने बिहार पर्यटन की वेबसाइट को भी अपडेट करने और उसमें पर्यटन केंद्रों की विस्तृत सूचना और तस्वीर अपलोड करने को कहा है, ताकि पर्यटक बिहार आने से पहले विस्तृत जानकारी ले सके। साथ ही पर्यटन सूचना केंद्रों को भी आधुनिक सुविधा से लैस करने और आने जाने वाले पर्यटकों का आंकड़ा संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर पर्यटन मंत्री ने साफ कर दिया है कि योजनाओं का ससमय पूरा करने का काम होगा, क्योंकि इसको लेकर सरकार खुद भी सजग है और एक्टिव मोड में काम कर रही है। ऐसे में सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो किसी तरह की लापरवाही ना करें। योजना में देरी होने पर दोषी स्वयं सेवक या फिर एजेंसी की ब्लैकलिस्टेड करते हुए जमानत राशि को जब्त कर लिया जा सकता है। इस मामले में दोषी अभियंताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपनी तरफ से हर सुख सुविधा देने का काम कर रही है, ऐसे में अफसर भी अब पूरी लगन से काम कर रहे हैं। मंत्री जी की माने तो स्थानीय पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए संबंधित जिला पदाधिकारियों से पत्राचार किया गया है, इसकी सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयोजित बैठक में प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और प्रबंध निदेशक प्रभाकर भी उपस्थित थे, जिसके बाद अब उम्मीद यही है कि बिहार के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को भी सेल्फी खींचने के लिए अच्छा स्पॉट मिलने वाला है। साथ ही सोशल मीडिया पर पर्यटक स्थलों को फोटो अपलोड होने से पर्यटकों का रुझान भी बिहार की तरफ बढ़ने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार सरकार की इस नई योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।